नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। और आज का वीडियो भी स्पेशल होने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे शिव जी का मंदिर है, इसका नाम है रंगेश्वर महादेव। रंगेश्वर पार्क में आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना सुंदर पार्क बनाया गया है। पहले यहाँ पर खुला मैदान था, अब यहाँ पर पार्क बनाया गया है। पार्क के बाद आपको गौमुख के दर्शन कराता हूँ। यह निर्मल शीतल जल कई जीव जंतुओं की प्यास बुझाता है। यह भी काफ़ी प्राचीन गौमुख है। शिवलिंग में जल चढ़ाने के लिए यहीं से ले जाया जाता है। अब मैं रंगेश्वर महादेव के आपको दर्शन करा देता हूँ। रंगेश्वर महादेव की स्थापना आदि शंकराचार्य ने आदिकाल में की थी। थोड़ा सा मैं आदि शंकराचार्य के बारे में आपको बता दूं। जब कभी प्राचीन भारतीय सनातन परंपरा के विकास और हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार की बात होती है तो सबसे पहले आदि गुरु शंकराचार्य जी का नाम आता है। उन्होंने 4 मठों और 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की थी। उन्हीं 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग केदारनाथ जी भी हैं। जो ये आप देख रहे हैं, ये नंदी, शेर और 2 शिवलिंग हैं जो मंदिर के बाहर रखे हुए हैं। आसपास के जितने भी मंदिर हैं उनमें शिवजी और गणेश की ज़्यादा मूर्तियां हैं और शंकर भगवान की मैन मूर्ति मंदिर के ऊपर है। जब आदि गुरु शंकराचार्य केदारनाथ के स्थापना के लिए जा रहे थे तो तब रास्ते में वो जहाँ जहाँ भी रुके वहाँ उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की और जो पुराने मंदिर थे उनका जीवन उद्धार किया। इसी मंदिर में कुछ रहस्य भी हैं। जो ये आप छोटे मंदिर देख रहे हैं, इनके अंदर डबल फ्लोर हैं। इस वाले में कोई मूर्ति नहीं रखी हुई है, लेकिन आप लोगों को मैं इसमें एक फ्लोर और दिखा देता हूँ। ये किसी को पता नहीं है, इसके ऊपर एक फ्लोर और है। आदि शंकराचार्य ने किस उपदेश से इनको बनाया होगा ये अभी तक कुछ भी पता नहीं है, लेकिन जो ये मंदिर हैं इनमें डबल फ्लोर है, 2 फ्लोर हैं। इन मंदिरों को देखकर ये अनुमान लगाया जा सकता है कि हमारा गांव का शिवालय कितना प्राचीन है। अब मैं आपको मंदिर के गर्भागृह की तरफ ले चलता हूँ, जहाँ पर अनेक देवी देवता विराजमान हैं। यहाँ पर मुख्य शिवलिंग है और चारों तरफ अनेक देवी देवता विराजमान हैं। सावन के महीने और शिवरात्रि में यहाँ की पूजा का विशेष महत्व है। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ जल चढ़ाने आते हैं। दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पांडवों के बाण, हम बाण बोलते हैं इनको, हथियार हैं। जैसे भीम का गदा है, अर्जुन का गांडीव है, और ये पांचों देवता जो हमारे होते हैं पांडव देवता, उन्हीं के ये अस्त्र शस्त्र हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये अस्त्र शस्त्र भी हम अपने शिवालय में ही रखते हैं। तो 4-5 साल में एक बार पांडव नृत्य होता है, तो उस टाइम इनको यहाँ पर बड़े ढोल नगाड़ों के साथ ले जाया जाता है और उसके बाद इनका डेली पूजन होता है। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी आप लोगों को बता देता हूँ कि हमारे क्षेत्र में ही पांडव नृत्य क्यों होता है। पूरे गढ़वाल में या पूरे देश में कहीं भी पांडव नृत्य नहीं होते हैं, सिर्फ हमारी केदार घाटी में ही पांडव नृत्य होते हैं। इसके पीछे ये कहानी है दोस्तों कि जब पांचों भाई पांडव और द्रौपदी अपने गोत्र हत्या, मतलब अपने भाइयों की हत्या का उन पर लगा था, पाप लगा हुआ था, तो उस पाप से निजात पाने के लिए उनको शिवजी के दर्शन करने थे। अपने
मोक्ष की तरफ जाने से पहले या बैकुंठ धाम जाने से पहले उनको शिव जी के दर्शन करने से, ताकि उस पाप से वो निजात पाए। तो होता क्या है कि वो पूरी दुनिया में जाते हैं लेकिन वो अपने हथियार कहीं भी दे नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके हथियार बहुत शक्तिशाली थे, गांडीव धनुष, और उनके पास सारे अस्त्र शस्त्र बहुत विनाशकारी अस्त्र शस्त्र थे। तो उन्होंने पूरी दुनिया में जब घूमे तो आखिर में वो हमारे इस क्षेत्र में आए। तो उन्होंने देखा कि इस क्षेत्र में जो लोग हैं वो बहुत शरीफ लोग हैं, वो हमारे अस्त्र शस्त्रों का गलत प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने वो अपने हथियार हमको दे दिए और अपने आप वो हिमालय की तरफ चले गए शिव जी के दर्शन के लिए। और तब से हम लोगों में इन अस्त्र शस्त्रों को पूजा की वस्तु मानकर इनका हम हमेशा पूजन करते हैं, और हमेशा हर दो तीन साल में हमारे यहाँ पानम नृत्य होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक आती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।